बोलते क्यों साहेब बन गए साहेब साहेब बन गए साहेब काम साहेब बन गया। साहेब के दर्शन करने आए थे हम और इनसे कुछ योगा की बातें भी सीख के जा रहे हैं जी जी। और आप सभी भाई भी योगा को देख और अपना स्वास्थ्य ठीक करें देख के कुछ करने से होगा देख के कुछ करें। ये पड़ेगा ये यहाँ पे साहेब का आश्रम है जी। इनके आश्रम की वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये इनका सत्य कबीर आश्रम दूदू और ये आश्रम के महंत साहब हैं। ठीक है साहेब इजाजत चलें। बिल्कुल मैं आऊंगा ना साहब के साहेब तो पूरा सिस्टम है सारा बोला। अच्छा पैर से बोला करोगे ऐसे बोल देते तो मैं कर ही लेता। मैंने ये तो बोला था पाद वर्ता आसन। अरे पाद वर्ता बोल आसन। अब आपने इशारा किया है ना तो नहीं मैंने बोला ना पाद वर्ता आसन सही बात। हां देख ना इस पाद उठे देख ना सीधा आएगा बिल्कुल बिल्कुल सीधा फिर घूमेगा ऐसे। सिर नहीं उठना सही नहीं सिर नहीं हाथ नहीं सिर नहीं उठता सी पिछले उठता सी ये मोटापे के लिए पेट को मोटापा कम करने के लिए फैट वेट दोनों के लिए बैलेंस बनाने के लिए। अच्छा दौड़ से अच्छा मतलब हाँ। बिल्कुल और अब आउट क्लॉक राइट साइड दोनों साइड से पहले यू घुमाता अब क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों पैर से इस बार हो गया इसी प्रकार इसी प्रकार दोनों से करना है। पाँच मिनट तो करेगा गिन के करो पचास पचास पाँच मिनट क्या करोगे निकालेगा तब तो पहले तब तो ठीक होगा सारा मोटापा चुटकी में जाएगा ये पता नहीं कब चला गया। सही है देख लो आप कितने दिन तक करें चल देखो आप वजन चेक करके फिर करना ऐसा नहीं करना फिर पता कैसे लगेगा आपको इसे हो गया डॉक्टर के पास जाकर मशीन देखनी पड़ेगी। अब देखो आप अब दोनों पाँव के साथ में वो ये रामदेव करता है भाई सब घुमा देता है पैर को यार खतरनाक है वो तो भाई साहब। ये भी क्लॉक भाई और एंटी क्लॉक भाई हाँ हाँ सुबह शाम कभी भी कर लो भूखे पेट करने का होता है पैर नीचे टच नहीं होना चाहिए। भूखे पेट का मतलब ये होता है जैसे सुबह खाना खाया और शाम को खाना लेट खाएं दो तरफ हो गए इसके बाद श्वास को बैलेंस बनाते रहो इसके बाद देखो साइकिल है घर में साइकिल है क्या साइकिल तो साइकिल चलानी पड़ेगी आपको देखो देखो साइकिल चल रही दादी है चला देंगे साइकिल लेके नहीं आएंगे। अब देखो आउट चल घुमाओ ये देख रहे हैं ना ये सुबह खाना खा के जाएंगे अपन शाम को खाली पेट होते हैं सुबह खाना खा के जाएंगे शाम को खाली पेट हो जाएगा तब कर ले कर लो वातावरण इतना खुला होता है अच्छा रहता है। हाँ खुले रहेगा ऊपर बॉडी में गर्मी हो जाने से ही हाँ छत पे कर लेंगे ना। अब देखना ये हो गया भोजन के बाद इस वज्राचल में बैठ सकते हो आप जैसे मैं बैठता हूँ बैठते हो ना और सुबह मॉर्निंग में यू आ करके कैसे कर रहा हूँ मैं पैरों को मोड़ा है ना देखो यू कैसे खड़ा है एक मोड़ा है मोड़ा हुआ है मोड़ गया ना हाँ भोजन के बाद ही भूखे पेट कटेगा बता रहा हूँ हाँ हाँ भोजन के बाद और जुटते उसमें श्वास को बाहर निकालना है और जब श्वास कर लेना ठीक। अब खड़े होकर बताता हूँ कुछ चीज़ें जैसे हमको ये मोटापा कम करना है इसे नहीं होगा अच्छा इस एंगल के साथ देखना यहाँ से दबा करना है कपड़ा नुचू जाता है कपड़ा हाँ मतलब ये कितनी करनी है वही पचास पचास पाँच पाँच दस करो पाँच पाँच ठीक है एक एंगल बता दिया दूसरा ना देखो जितनी मर्जी हो उतने करो
घुटने में बैठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझ देखो, पूरा बॉडी हो जाएगी और यार खतरनाक सुनो भाई सुनो आप डेली करते देखिए मेरे को सारा पूरी बॉडी हो जाती है, ये भी मोटे मोटापे के लिए। इसके बाद देखो, इसके बाद आप डेली करते हो देखिए रामदेव बाबा आसन बोल तो सिद्ध ही जी मात्र 10 मिनट में पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे सही, मात्र 10 मिनट सारा करना है। ये तो पूरी बॉडी को वो कर देगा आप, ऐसे करो गिनती के 100 करो, कितने 100 इससे मतलब पूरी बॉडी सांस लेते रहो बराबर, सांस नाक से लेना ऐसे मुंह से नहीं लेना, मुझे नहीं लेना सांस बोले, चलो चलो।